न्यूज़ चैनल। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर योगी सरकार के दावों का दम घुटता नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से राज्य में कई शहरों के निजी अस्पताल में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोविड 19 की इस दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें देश के हर राज्य से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश भी इस महामारी की चपेट में है। यूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की किल्लत है और न दवाइयों की कमी है और न ही अस्पतालों में बेड की दिक्कत है, लेकिन इन दावों की जमीनी पड़ताल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नया मुरादाबाद के ब्राइट स्टार अस्पताल में तो कई मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की किल्लत के चलते मौत हो गई है। मंजर चाहे हॉस्पिटल का हो या फिर शमशान घाट का, हर तरफ मायूसी की छाप लगी हुई है। देख लो आप आगे प्लीज मान लिए, इन्होंने मेरा भाई बात हुई है रात 4 बजे और मेरे को खत्म कर दिया इन लोगों ने। मेरा नाम रजत कुमार सिंह है, मैं इसरो में एक वैज्ञानिक काम कर रहा हूँ। मेरे फादर यहाँ पे एडमिट थे पिछले एक हफ्ते से, आज ऑक्सीजन की कमी के वजह से कम 20 पेशेंट की जान गई है। कोई हॉस्पिटल में रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, ना सीईओ यहाँ पे फोन उठा रहे हैं, ना कोई यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। डीएमएसपी को भी फोन किया जा रहा है तो वो लोग भी कोई सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आप लोग देखिए सबके पेशेंट की डेथ हुई है, सबके पेशेंट की डेथ हुई है। 10 दिन से मेरा भाई एडमिट है, 10 दिन से रिपोर्ट है नहीं कर रहे, यहाँ से ले जाओ, कहाँ लेकर जाए, रिपोर्ट दिखाओ पहले, एक्सरे आ रहे हैं। ब्राइट स्टार हॉस्पिटल नया मुरादाबाद, ये देखिए ये ब्राइट स्टार हॉस्पिटल है नया मुरादाबाद में। आज सुबह सुबह ऑक्सीजन की कमी से 20 पेशेंट की यहाँ पे जान गई है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं है अभी के अभी यहाँ पे। अरे हमारे पेशेंट मार दिए इन्होंने, यहाँ तक इन लोगों ने इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि लोगों को फोन करके बुलाया जाए कि आप क्या ऑक्सीजन अरेंज कीजिए खुद से। मेरे भाई से फोन बात करिए, बोले ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। प्लीज अगर डीएम मुरादाबाद आप इस चीज को सुन रहे हैं, प्लीज यहाँ पे किसी को भेजिए या खुद आप आइए। जवान लड़का, मैंने 24-28 साल का मेरा लड़का जा रहा है। अरे बेटा ये है सरकार की नीट, अंधा हो के बैठा हुआ है, हमारे मुंह से गाली बक रहे हैं, वो उसकी न्यूज पहुँचे ये उनके हाथ पेटे में। नहीं पापा, योगी अंधा है, मैं बोल रहा हूँ जनता की आवाज से बोल रहा हूँ, योगी अंधा, प्रशासन चोर है, क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही है। आवेदन देखे आके सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा, लाइन लगी हुई है, कितना आदमी मर रहा, बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नपुंसक इंसान होगी आज का। वो पायलट वाला कहता है कि लाश नहीं ले रहे, उठा ले जा रहे हैं, कितनों को मारेगा, हमको भी मार दे, हम बम लगा देंगे, हम तो मरे, तुमको भी ले जा रहे हैं, यही आदमी सोचेगा। व्यापार चौपट कर दिया, सब कुछ करके बैठा हुआ है, सब लाशें घुमा रहा। आपको हम चेहरा खोल के दिखा रहे हैं, कैसे देखेंगे, मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, कोरोना नहीं, वैसे हमको भी तो नहीं, प्रशासन आवे उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगे कोरोना कितना लगता है, मगर उस अरे यार बेटा, फिर भाई साहब आप फालतू बात बोल रहे हो, उनके सामने ना बोलो। अरे ये पेपर में छापे, वो छपेगा न्यूज में, कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियां जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ काम का लिए ड्रामा, मातम मसला है, मातम खुल के बोल रहे हैं, ड्रामा करते हैं आप लोग, पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला चाहे देश कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े, और किसी का आप दिखाइए। हम कहते मेरी आज कल मैं पेपर पढ़ूंगा, आ जाए अपना एड्रेस दे दो। राजीव कुमार, PTI 9 न्यूज, लखनऊ।